Hello students we have completed first chapter of pharmacotherapeutics now we will start the second chapter of pharmacotherapeutic cardiovascular system in this chapter we will learn about the various type of heart disease their management and treatment the first disease in cardiovascular system is hypertension hypertension means prolonged high blood pressure लेट मी क्लियर हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज बट प्रो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाईपर टेंशन एंड दैट इज द डिजीज क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर तो किसी भी रीज़न से हो सकता है लाइक like, फीयर डेंजरस सिचुएशन एनजाइटी स्ट्रेस जो हम एग्ज़ाम्स में होता है या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें ऐसा लगता है कि बहुत डर लग रहा है हमें बहुत एनजाइटी हो रही है वहाँ हमारा बी पी हाई हो जाता है दैट इज़ नॉट हाइपर टेंशन बट प्रो लॉन्ग हाई हाई ब्लड प्रेशर मीन्स लंबे टाइम तक बी पी का हाई होना देट इज़ कॉल्ड हाइपर टेंशन नॉर्मल बी पी रेंज होती है वन ट्वेंटी टू 80, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वन ट्वेंटी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है एट्टी बट नॉर्मल आज के प्रेजेंट टाइम में ये वन ट्वेंटी से वन थर्टी तक पहुंच गई है यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर वन थर्टी तक भी है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में नहीं आता है एंड डायस्टोलिक पहुंच गई है नाइन्टी तक यानी नाइन्टी भी हाई ब्लड प्रेशर में नहीं आता है बट हाइपर टेंशन मीन्स वन फोर्टी एंड नाइन्टी अबाउ वन फोर्टी अगर बी पी है दैट इज कॉल्ड हाईपर टेंशन सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर नाइन्टी से अबाउ है दैट इज कॉल्ड हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन मीन्स अ सिचुएशन वैन द ब्लड प्रेशर इज़ अबाउ वन फोर्टी इन सिस्टॉलिक एंड अबाउ नाइन्टी इन डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेंशन मैं बार बार बोल रही हूँ ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर मीन्स क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है द प्रेशर यानी द फोर्स ऑफ ब्लड दैट इज़ अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्ट्रीज आर्ट्रीज़ की वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर ब्लड का आर्टरीज़ की वॉल पे पड़ता है जो फोर्स ब्लड आर्टरीज की वॉल पे लगाता है दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर मींस बीपी और ये प्रेशर कब पड़ेगा अगर नॉर्मल आर्टरीज़ इतना पाथ इतना स्पेस ब्लड को देती है तो वो इजीली फ्लो कर सकता है बट अगर वो आर्टरीज इस तरह से नैरो हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और स्पेस इतना नहीं दे पाती दैट इज़ प्रेशर, फिर ब्लड प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है आर्टरीज की वॉल्स पे, एंड दैट इज कॉल्ड बीपी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन फोर टाइप्स के होते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर टेंशन मीन्स नॉर्मल बी पी इसकी रेंज होती है वन ट्वेंटी टू एट्टी दिट इज दैट इज नॉर्मल बी पी सेकेंड टाइप ऑफ हाइपर टेंशन वन थर्टी टू नाइन्टी रेंज में होता है इसमें सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर की रेंज वन थर्टी और डायस्टॉलिक की नाइन्टी दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन प्रजेंट टाइम बट थर्ड टाइप ऑफ हाइपरटेंशन में रेंज है 142 फोर्टी टू दैट इज़ कॉल्ड प्री हाइपर प्री हाइपर एंड फोर्थ टाइप ऑफ हाइपर इज थर्ड टाइप ऑफ हाइपर इज 142 फोर्टी टू दैट इज अक्यूट हाइपर एंड फोर्थ टाइप ऑफ हाइपर टेंशन इज वन फिफ्टी टू हंड्रेड एंड दिस इज़ क्रॉनिक क्रॉनिक हाइपर टेंशन यानी 140 से 99 की रेंज एक्यूट हाइपरटेंशन होती है जिसे हम लाइफस्टाइल से यानी लाइफस्टाइल को अगर हम लोग इम्प्रूव करें तो हम इस हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं बट फोर्थ टाइप यानी क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिसमें 150 से 100 रेंज होती है इसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें एंटी हाइपर टेंसिव लेनी होती है दैट इज़ फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन फर्स्ट इज नॉर्मल जहाँ 120 से 80 होती है जो ब्लड प्रेशर की रेंज है सेकंड इज़ 130 से 90, जिसे हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं एंड थर्ड इज अक्यूट जिसमें वन फोर्टी टू नाइनटी नाइन होती है रेंज और क्रॉनिक फोर्थ जिसमें वन फिफ्टी से हंड्रेड होती है जिसे मेडिसिन से क्योर करना होता है तो ये थे टाइप वैसे तो हाइपर टेंशन बहुत बड़ा है लेकिन हमें हाइपर टेंशन में उसकी डेफिनेशन इटियोपैथोजैनिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यही हमारे सिलेबस में है और हम इसी की स्टडी करेंगे नाउ कॉजेज ऑफ हाइपर टेंशन किन किन रीजन से हाइपर टेंशन होता है फर्स्ट इज़ स्मोकिंग स्मोकिंग करने से एज फैक्टर ऐज ज़्यादा होने से यानी फोर्टी टू फिफ्टी एज के बाद में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है ओबेसिटी मीन्स वेट ज़्यादा होना डायबिटीज़ डायबिटीज़ इज़ द कंडीशन ऑफ वेरियस डिजीज और डायबिटीज़ में बहुत सारी डिज़ीज़ होने लगती है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर भी एक डिज़ीज़ है एंड डायबिटीज़ इज़ द फैक्टर देन हाइपर टेंशन ऑल्सो अकर इन डायबिटीज़ एल्कोहल कंज़प्शन, मोर कंज़प्शन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल का ज़्यादा कंज़प्शन करने से भी ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है एंड हाईपर टेंशन की प्रॉब्लम होती है काजिस के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है सीवियर हेडेक्स एक बहुत ज़्यादा होना यानी सीवियर हैडेक होना फैटिक थकान यानी थोड़ी सी देर में थोड़े ही काम करने से थकान होना दैट इज़ कॉल्ड फैटिक चेस्ट पेन एंजाइना ब्लड इन द यूरिन यूरिन में ब्लड का आना डिजीनेस मीन्स चक्कर आना इंसोमनिया मीन्स नींद नहीं आना लैक ऑफ स्लीप स्वेटिंग स्वेटिंग मीन्स पसीना आना बहुत ज बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में भी स्वेटिंग होना रेड आइज़ यानी आइज में रेड ब्लड स्पॉट्स का शो होना देट इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर टेंशन मीन्स दैट इज़ अ सिमटम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिंपली मीन्स सिम्टम्स सिम्टम्स ऑफ हाइपर टेंशन ये सारे सिम्टम्स हाइपरटेंशन में देखे जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल सिम्टम्स कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन के बाद नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन में दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट होता है हाइपर टेंशन का लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके लाइफ स्टाइल इम्प्रूव लाइक वी कैन लॉस द वेट ओ को हटा के वेट लॉस करके एक्सरसाइजेज एरोबिक एक्सरसाइजेज एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइजेज टू टाइप्स की होती है नॉन एरोबिक एंड एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइजेज इन विच एक्सरसाइजेज वी कैन ब्रीदिंग नॉर्मली नॉर्मली ब्रीदिंग हो सकती है इसमें हमें सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं होती एंड नॉन एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें सांस फूलने लगती है यानी हाई वर्कआउट तो नॉन एरोबिक एंड एरोबिक एक्सरसाइजेज में से एरोबिक एक्सरसाइजेज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आती है हाइपर टेंशन की वेट लॉस करके और डाइट्री सप्लीमेंट्स में हम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स का यूज़ करके हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं एंड एल्कोहल कंजप्शन लिमिट में करके स्मोकिंग कम करके हाइपर टेंशन को रिड्यूस किया जा सकता है दीज आर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज करते हैं मेडिसिन लाइक वैसोडाइलेटर्स बीटा ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायरेटिक्स वैसोडाइलेटर्स जो वेसल्स को डायलेट करता है एज आई सेड ब्लड प्रेशर आर्ट्रीज की वॉल्स पर बनता है और आर्ट्रीज की वॉल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर यानि फोर्स ऑफ ब्लड इंक्रीज होता है और बीपी इंक्रीज होता है बॉडी का वेसल्स को डायलेट करना जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है जिनके बीच में गैप नहीं है अब इसको डायलेट करना यानी वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं वैसोडाइलेटर्स वैसोडाइलेटर्स के एग्जाम्पल्स है हाइड्रोलाजीन बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं जो बीटा बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर्स बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं दैट इज़ बीटा ब्लॉकर्स इसमें एग्जाम्पल्स है एटिनोलॉल प्रोपेनोलॉल एल्फा ब्लॉकर्स एल्फा ब्लॉकर्स एल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं इसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो केमिकल्स आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने से हार्ट रेट जो इंक्रीज हो चुकी है वो डिक्रीज होगी और नॉर्मल कंडीशन में आएगी यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जाम्पल है डेलीटियाज्म डायुरेटिक्स डायुरेटिक्स जो किडनी से रिलेटेड है डाय काम करते हैं जैसे थायाजाइड्स है थायाजाइड डाय यूरेटिक्स ये भी का एग्ज़ाम्पल है जो किडनी पे जो रेनिन एंजाइम है रैनिन एंजाइम रेनिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए तो रेनिन एंजाइम जो किडनी पे होता है ये उसे स्टॉप करते हैं रैनिन को स्टॉप करने से किडनी पे जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का ऑर्डर है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का सिस्टम है वो कम होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आता है तो नॉर्म डायोरेटिक्स काम पे करते हैं किडनी पे एंजियोटेंसिन सिस्टम जो हमने देखा है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और डायोरेटिक्स उन्हीं पे वर्क करते हैं तो वैसोडाइलेटर्स बीटा ब्लॉकर्स अल्फा ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायोरेटिक्स दीज फाइव टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज टू क्योर नॉन फार्मोकोलो सॉरी दीज फाइव टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज़ टू क्योर फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन एट लास्ट इन हाइपर टेंशन आई एम शोइंग सम मेडिसिन टू क्योर हाइपर टेंशन फर्स्ट इज़ हाइड्रोलाजीन एंड मिनॉक्सीडिल हाइड्रोलाजीन एंड मिनोक्सीडिल वैसो डाइलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि जो वैसल्स को डायलेट करते हैं जो नैरो कॉन्स्टिक्ट वैसल्स हो गई है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसे डायलेट करते हैं देट इज़ हाइड्रोलाजीन एंड मिनोक्सीडिल सेकेंड इज एटिनोल एंड प्रोपिनोल ये बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स है जो बीटा एडनोजिक बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है दैट इज एटिनोलॉलॉल एंड प्रोपिनोलॉल थर्ड इज़ प्राजोसिन ये अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के एग्ज़ैम्पल्स है एम्लोडिपिन एंड डिलीटियाजम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्ज़ैम्पल है एंड कैप्टोप्रिल के एसी इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है एंड फ्यूरेसेमाइड्स ये डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल है तो फ्यूरेसेमाइड्स एंड कैप्टोप्रिल कैप्टोप्रिल एसी ही इनहिबिटर का एग्जाम्पल है एंड फ्यूरेसेमाइड्स डायूरेटिक का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे जो काम करता है वो है डायूरेटिक्स फ्यूरेसेमाइड ओके स्टूडेंट्स हाइपर टेंशन में इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइना पैक्टोरिस थैंक यू